जय महाकाली दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल अचूक प्राचीन टोटके में। दोस्तों, हर इंसान के ज़िंदगी में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है। तो दोस्तों, जब भी अच्छा समय आता है तो उससे पहले भगवान हमें कुछ संकेत देते हैं। उन संकेतों से हम ये समझ सकते हैं कि आने वाला समय हमारी ज़िंदगी में अच्छा आएगा। इन संकेतों के बारे में भगवान विष्णु ने नारद जी को स्वयं बताया था कि जब भी किसी इंसान के अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो उससे पहले भगवान हमें कुछ संकेत देते हैं, चाहे फिर वो पशु पक्षियों के द्वारा हो, चाहे बच्चे के द्वारा हो, चाहे किसी आदमी के द्वारा हो, किसी संत महात्मा के द्वारा हो, कुछ ना कुछ संकेत अवश्य ही देते हैं। ऐसे ही जब बुरा समय आने वाला होता है तो उसके भी हमें संकेत पहले ही मिल जाते हैं, परंतु कई बार हम समझते नहीं हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अच्छा समय आने से पहले भगवान हमें क्या संकेत देते हैं। और अगर आप बोलेंगे कि बुरा समय आने से पहले क्या संकेत देते हैं तो उसके बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, हम उसके बारे में भी आपको अवश्य बताएंगे। क्योंकि बुरा समय को चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे प्रारब्ध के कारण बुरा समय आ ही जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला संकेत यह है कि जब हमारा अच्छा समय आने वाला है ज़िंदगी में, तो अगर आपकी नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुलनी शुरू हो जाती है, मान लो पहले कभी आप उठते ही नहीं थे और अचानक से ही आपकी नींद सुबह जल्दी खुलने लग जाए, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय से डेढ़ घंटा पहले, तो ये समझो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आँखें खुलनी शुरू हो गई है, तो आपका बहुत ही अच्छा समय आने वाला है शीघ्र ही। और उठते ही आपको तुरंत परम पिता परमेश्वर की ही याद आए, तो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आँख खुल गई और आँख खुलते ही आपको भगवान की याद आई, तो समझो आपका अति शुभ समय आने वाला है। दोस्तों, दूसरा संकेत यह है कि आपने कई बार लाइफ में देखा होगा कि बेवजह ही इंसान खुश रहने लग जाता है, कोई वजह नहीं है, उसके बाद भी हम अपने आप मुस्कुराने लग जाते हैं, हम खुश रहने लगते हैं दिन भर और हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तो दोस्तों, यह भी एक संकेत होता है भगवान का कि आपकी लाइफ में ऐसे ही खुशियां आने वाली हैं, ऐसे ही अच्छा समय आने वाला है जैसे आप अब खुश रहते हैं। तो ये एक संकेत है आने वाले अच्छे दिनों के लिए। दोस्तों, तीसरा संकेत हमें यह मिलता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि दुख भरी ज़िंदगी है आपकी, बहुत परेशान हो आप और अचानक से आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलने लगी, अच्छी न्यूज़ मिलने लग जाए, अच्छी खुशखबरी मिलने लग जाए। मान लो जैसे कहीं से धन प्राप्ति का रास्ता बन गया, यह भी तो अच्छी खबर है ना, अच्छी खबर कोई भी हो सकती है, तो अचानक से ऐसी अच्छी खबरें आने लगे तो इसका मतलब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, अतिशीघ्र अच्छे दिन आएंगे, आप विश्वास रखिएगा। चौथा संकेत दोस्तों यह है कि कभी कभी हमें भगवान जानवरों के द्वारा, पशु पक्षी के द्वारा संकेत देते हैं। आपने देखा होगा कई बार गाय जो है अपने आप ही किसी किसी के घर के आगे आकर खड़ी हो जाती है रोटी खाने के लिए, या उसको आप कुछ भी खिलाओ। दोस्तों, गाय का घर के बाहर आना बहुत ही शुभ संकेत होता है, एक दिन नहीं बार बार अगर वो आए आपके घर के बाहर तो इससे यह पता चलता है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। और दोस्तों, कई बार आपने बंदर वगैरह को देखा होगा, बंदर अगर आ जाए और आपके घर से कुछ उठा कर ले जाए तो यह भी एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत होता है। अगला शुभ संकेत यह है दोस्तों, अगर आप घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलते ही आपको किसी छोटे बच्चे के दर्शन हो जाए और वह बच्चा देखकर आपको मुस्कुराने लगे, तो इसका मतलब यह है दोस्तों, आपका समय तो शुभ आने ही वाला है, लेकिन आप उस दिन जिस कार्य के लिए निकले हैं वो कार्य भी आपका 100% सफल होगा। अगला संकेत यह है दोस्तों कि आपका कहीं धन फंसा हुआ है और वह धन आपको प्राप्त होने लग जाए, यानी आपसे किसी ने कर्ज ले रखा था और वह पैसे नहीं आ रहे हैं, या फिर कहीं आपने किसी को दे के भूल गए हैं और अचानक ही वह अपने आप दे दे, तो यह भी एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है कि आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। और दोस्तों, अगर आप घर से जाते हैं सुबह के समय और आपको
कोई पानी का भरा हुआ घड़ा मिल जाए रास्ते में, और उस दिन आप जब घर से जा रहे हो जिस काम के लिए निकले हो वो काम तो आपका सफल होगा ही होगा और आने वाले समय के लिए भी शुभ है ये। मतलब आपके दिन अच्छे आने वाले हैं, सब कुछ भरा होगा, आपका भंडार धन पैसों से भरने लगेगा, खुशियों से भरने लगेगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज की इस वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्ञान मिल सके। इसके साथ दोस्तों आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएँ ताकि भविष्य में हमारे आने वाले हर नए वीडियोस की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां काली।